नमस्ते दोस्तों, मैं किरण माहेश्वरी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मक्की के ढोकले घर पे कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। इसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है मैं आपको बताती हूँ। मक्की का आटा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरी मिर्च, पापड़ खार, पालक, चने की दाल, धनिया। सबसे पहले कोई भी एक परात ले लें, इसमें 2 कप मक्की का आटा, आटा हल्का भुरभुरा होना चाहिए, स्वाद अनुसार नमक, पापड़ खार, बारीक कटी हरी मिर्च, या आप कम या ज्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, 2 चम्मच चने की दाल, 1 से 1.5 चम्मच साबुत धनिया, इसे आप हाथों में लेकर मैस करके डाल दें, 7 के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 बारीक कटा हुआ पालक, इसे मैंने धोकर साफ करके लिया है, 1 सबको अच्छे से मैश कर लें। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे गर्म पानी की सहायता से आटे की तरह गूंथ लें। इसमें पानी उबला हुआ यूज में लें और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए डो बना लें। डो भी बनकर रेडी हो चुका है। इसे ज्यादा गीला ना करें और ना ही ज्यादा टाइट रखें। मैं इसे इडली स्टैंड में बनाऊंगी, आप इसे भगोने में भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, गरम पानी यूज में लें और इस पे कोई भी जाली लगा दें। गैस चालू कर दें और इसे गैस पर रखें। ढोकले आप छोटे बड़े अपने हिसाब से बना सकते हैं। गोल बनाएं और बीच में छेद कर दें। और इस पे रखते जाएं। ढोकले तो सभी बनाते हैं, आप एक बार इस प्रकार जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। इसी प्रकार सारे बना लें। मैंने सारे ढोकले बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसे ढक्कन लगा दें और 15 से 20 मिनट के लिए पकने दें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ढोकले भी बनकर रेडी हो चुके हैं। गैस बंद कर दें। मैं इसे प्लेट में ले रही हूं। फ्रेंड्स, मैंने इसे थाली में ले लिया है
ऊपर से आप इसमें तिल्ली का तेल डालें, इससे ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसे गर्मा गर्म दाल के साथ सर्व करें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।